नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, उन्होंने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस की बुद्धि मारी गई है। वर्ल्ड कप फाइनल में टीम इंडिया की हार पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया का शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया। शिवराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस मोदी विरोध में अंधी हो गई है। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं। शिवराज सिंह उज्जैन में महाकाल के दर्शन करने पहुंचे थे, उसी दौरान उन्होंने ये बयान दिया। ये तो भी है। कांग्रेस का मानसिक दिवालियापन नहीं, उनकी बुद्धि मारी गई। जाको प्रभु दारुण दुख दे ही, ताकि मति पहले हर ले ही। और था पूरे देश की आंखों में, जनता की आंखों में आंसू थे भारत की हार में। लेकिन ये इसलिए खुश हो रहे थे कि मोदी जी चले गए, भारत हार गया, मजा आ गया। अभी ये भाव तो देश द्रोह की सीमा तक जाता है एक तरह से। देश की जीत पे जब देश की करोड़ों लोग आंखों में आंसू लिए, ऐसा असह दर्द और दुख झेल रहे थे, तब वो खुशी मना के व्यंग कर रहे थे कि मोदी जी चले गए। मोदी जी ने समाज के हर वर्ग और खिलाड़ियों का भी जितना ध्यान रखा है, खेल को बढ़ाने के जितने प्रयत्न किए पहले भारत में कभी नहीं हुए, और हमारी टीम शानदार 10 मैच लगातार जीती। अब क्रिकेट भाई चांस होता है, एक आध हार गया तो कौन सा आसमान टूट गया, लेकिन हर चीज को कैसे भुना ले। मोदी विरोध में तो ये अंधे हो गए हैं। सचमुच में राष्ट्रीय शर्म हो गए हैं राहुल गांधी। तो वहीं सीएम शिवराज के बयान पर, राहुल गांधी पर दिए बयान पर एमपी की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस बयान को लेकर निशाना साधा, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। जो है इस गलीज भाषा का प्रयोग करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके जो नेता हैं वो इसी तरह की भाषा सुनने के आदि हैं। अगर वो इस भाषा में बात नहीं करेंगे तो उनकी सीआर वैसी खराब है और खराब हो जाएगी। बात तो ये है कि जो मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि राहुल गांधी जी राष्ट्रीय शर्म हैं, इसमें कहीं कोई संदेह किसी को होना नहीं चाहिए। एक भारत का आम नागरिक की नजर से देखें, आप विदेशों में इस राष्ट्र की थूथू कराएं, विदेशी षड्यंत्रकारी शक्तियों के मोहरे बन जाएं, आप देश में हर देश के गौरव करने वाले विषय पर, जो देश के आस्था के श्रद्धा के विषय हैं, उसको आप धिक्कार करें, तिरस्कार करें, आप शर्म नहीं है तो क्या है। और इसी बीच बड़ी खबर भोपाल से, बता दें सूत्रों के हवाले से खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों पर अब निगरानी बढ़ाने जा रही है। जिला प्रभारियों को पीसीसी ने प्रत्याशियों पर पैनी नजर रखने की जिम्मेदारी दी है। कमलनाथ के निर्देश के बाद जिला प्रभारियों को यह जिम्मेदारी दी गई। 28 नवंबर की बैठक के बाद जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में डेरा डाल सकते हैं। ये भी बता दें प्रत्याशियों से मिलने जुलने वालों पर भी पीसीसी की नजर होगी। जिसकी पार्टी डगमगाती है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का ये डर उनके लिए अच्छा है। और जहां तक रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी उम्मीदवारी को लेके और अपनी विजय को लेकर बहुत ही ज्यादा अस्वस्थ है। और 3 दिसंबर को जो मतदान का फैसला आएगा वो भारतीय जनता पार्टी के हक में ही फैसला आएगा। जब भाजपा जैसी लुटेरी पार्टी हो जो जनतंत्र को खत्म करने पर आमदा हो, उसने बार बार इस चीज को साबित की भी किया हो, चाहे महाराष्ट्र हो, कर्नाटका के चुनाव, कर्नाटका की सरकार हो, मध्यप्रदेश की सरकार हो, तो ये है कि अपने नेताओं कार्यकर्ताओं से प्रॉपर संवाद कांग्रेस पार्टी पहले भी बनाती रही है, पहले भी रहा है संवाद, आज भी संवाद है। बाकी हाँ, मैं मानता हूँ ऑपरेशन लोटस जिसको भाजपा वाले बड़े ही छाती फुला के कहते हैं, वो इस देश के इतिहास पर काला धब्बा है। भाजपा कांग्रेस के निशाने पर अब 15 कलेक्टर एसपी हैं। चुनाव में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप इन पर लगा है। चुनाव आयोग से अफसरों की शिकायत भी की है। बता दें अब तक 10 कलेक्टरों और 5 एसपी की शिकायत की गई है। 6 कलेक्टर और 4 एसपी के खिलाफ वोटिंग से पहले ही दोनों पार्टियां चुनाव आयोग पहुंच गई थी। 7 अधिकारियों के खिलाफ शिकायत हुई है वोटिंग के दिन या बाद में की गई। बीजेपी ने ज्यादातर मामलों में
बीजेपी ने ज्यादातर मामलों में अधिकारियों पर पक्षपातपूर्ण कार्रवाई और धीमे मतदान कराने का आरोप लगाया है। कांग्रेस भी वोटिंग से पहले कई जिलों के कलेक्टर एसपी पर भाजपा के पक्ष में काम करने का आरोप लगा चुकी है। और अब आगे बढ़ेगी, एक और बड़ी खबर भोपाल से है। बीएसएनएल का रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार हुआ है। सीबीआई ने 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया बीएसएनएल का प्रिंसिपल जीएम महेंद्र सिंह, जिसका नाम है। यह अरेस्ट हुआ है सहकर्मी जेटीओ अनिरुद्ध साहू से 40,000 रुपए की रिश्वत मांगने के आर्थिक अनियमितता के मामले में जूनियर की जांच कर रहे हैं। जांच से नाम हटाने के लिए यह रिश्वत की डिमांड की गई। इंदौर से बड़ी खबर की बात करेंगे। लोन नहीं चुकाने पर पीटा गया है। दरअसल पर्सनल लोन नहीं भरने पर युवक को बंधक बनाया गया, उसे पीटा गया। कलेक्शन एजेंट ने ऑफिस बुलाकर युवक को बंधक बना लिया। पर्सनल लोन वसूली के लिए फाइनेंस कंपनी ने रखे बदमाश फरियादी मुकेश कोठारी की शिकायत पर यह मामला दर्ज किया है। कलेक्शन एजेंटों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। तुकोगंज थाना क्षेत्र के सिल्वर मॉल की यह घटना इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंदौर की ये तस्वीरें हैं जहां पर लोन नहीं चुकाने पर युवक को बंधक बनाकर के पीटा गया। एक और खबर इंदौर से है जहां पर कनाडिया रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। ऑटो और रिक्शा और तेज रफ्तार कार में टक्कर हो गई और हादसे का सीसीटीवी भी अब सामने आया है। हादसे में 3 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे किस तरह यह हादसा हुआ, किस तरह यह टक्कर हुई। ये तस्वीरें आपके सामने इंदौर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पर कनाडिया रोड पर यह सड़क हादसा होना बताया जा रहा है। तेज रफ्तार कार आती है और घसीटते हुए ऑटो को ले जाती है। ये भीषण सड़क हादसे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ऑटो दरअसल ऑटो वाला रोड क्रॉस करता होता है, एक तरफ से कार आती है और तेज रफ्तार ये कार रहती है और ऑटो में घुस जाती है। ये भीषण टक्कर की हादसे की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। इंदौर की तस्वीरें इस वक्त, हादसे का ये वीडियो आप देख रहे हैं। कनाडिया रोड का ये वीडियो बताया जा रहा है जहां पर तेज रफ्तार कार और ऑटो की ये भीषण टक्कर हुई जिसमें घायल भी कुछ लोग हुए हैं। फिलहाल उनका इलाज जारी है और पूरे ही मामले में जांच पड़ताल भी जारी है। देखिए ये जो रास्ता है आप इससे समझ सकते हैं कि आवक जावक बहुत ज्यादा रहती है, लोगों का आना जाना ज्यादा रहता होगा। कोई खाली रोड तो नहीं है कि इतनी स्पीड में गाड़ी भगाई जाए, पर फिर भी कार चालक द्वारा तेज रफ्तार ये गाड़ी भगाई गई और ऑटो को खींचते हुए आगे तक ले गई। ये घसीटते हुए ऑटो को ले गई। तस्वीर आपके सामने है, इंदौर की तस्वीरें दिखा रहे हैं, कनाडिया की तस्वीर है जहां पर ये भीषण सड़क हादसा होना बताया जा रहा है। ऑटो चालक एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस करते हुए जा रहा है और अचानक से अपनी धुन में कार सवार आता है और ऑटो को टक्कर मारता है, घसीटते हुए ले जाता है। आगर मालवा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं जहां पर सड़क हादसा हुआ है, 3 लोगों की मौत की खबर है। नेशनल हाईवे पर 3 वाहनों की आपस में भिड़त हो गई। ट्रक से भिड़कर कार बाइक से जा टकराई। हादसे में 3 की मौके पर ही मौत हो गई। कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 कार सवार और 1 बाइक चालक शामिल होना बताया जा रहा है। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम महुडिया जोड़ के पास देर रात ये हादसा हुआ है जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, कुछ लोग घायल भी हैं। फिलहाल पूरे ही मामले में जांच पड़ताल जारी है। 3 गाड़ियों की आपस में टक्कर हुई और यह बड़ा हादसा हो गया आगर मालवा में। नर्मदापुरम से बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 2 की मौत की खबर है। सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की मौत होना इसमें बताई जा रही है। दरअसल निजी पेट्रोल पंप के पास कार को ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में यशी पांडे और रामकृष्ण सिंह राजपूत की मौत हो गई। यशी पांडे के जन्मदिन की पार्टी करने रेस्टोरेंट जा रहे थे सभी। दुर्घटना में 2 अन्य गंभीर घायलों का नर्मदापुरम के निजी अस्पताल में इलाज जारी है। तो जन्मदिन की पार्टी करने रेस्टोरेंट जा रहे थे सभी, उसी दौरान यह हादसा होना बताया जा रहा है।
दो लोगों की मौत हो चुकी है इस हादसे में, सड़क हादसे में। सिवनी मालवा एसडीएम के रीडर ऑपरेटर की मौत हुई है। कार की तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है कितना भीषण यह हादसा हुआ होगा। कार के परखच्चे उड़ चुके हैं। तस्वीरें नर्मदापुरम की, यशी पांडे रामकृष्ण सिंह राजपूत की मौत की खबर है इस हादसे में। जन्मदिन की पार्टी करने के लिए ये सभी रेस्टोरेंट जा रहे थे और उसी दौरान ये हादसा हो गया। सागर की बात कर लेते हैं, यहां पर भी एक हादसा हुआ। यात्रियों से भरी बस पलट गई। भोपाल रोड पर यात्रियों से भरी बस पलट गई। बेकाबू होकर यह बस पलटना बताई जा रही है। मोती नगर थाना क्षेत्र के ग्राम रतौना के पास की यह घटना है। बस में लगेज और ओवरलोड सवारी होने के कारण यह हादसा होने का शक जताया जा रहा है। अमरदीप ट्रेवल्स की बस है, कई यात्री घायल भी हुए हैं। जिला अस्पताल में फिलहाल सभी का इलाज जारी है। तो ओवरलोड ये बस बताई जा रही है जिस वजह से हादसा हुआ है। यात्रियों से ये भरी हुई थी, ओवरलोड थी ये बस जिस वजह से ये हादसा होना बताया जा रहा है। फिलहाल जो यात्री घायल हैं उन सभी का इलाज जारी है। मोतीनगर के ग्राम रतौना के पास ये घटना घटित हुई है। तस्वीरें आपके सामने। यात्रियों से भरी बस पलट गई और इसमें कई सारे लोग घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी का इलाज जारी है और जांच पड़ताल भी इस मामले में जारी है। धार की हम बात कर लेते हैं, यहां पर महिला तांत्रिक का शिकार हुई है। तांत्रिक ने तलवार से हमला किया है। हाथ पैर दर्द होने पर महिला गई थी तांत्रिक के पास। तांत्रिक के हमले में महिला घायल भी हुई है। बड़वानी के अस्पताल में उपचार फिलहाल जारी है महिला का। ग्राम बड़वानिया की यह घटना है। दही थाना पुलिस ने तांत्रिक सहित तीन लोगों पर मामला दर्ज किया है। तो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, अंधविश्वास के चक्कर में लोग आ जाते हैं और कहीं ना कहीं उनकी जान पर बनाती है। हमने लगातार तस्वीरें देखी कि इस तरह बच्चों को भी दागा गया और तांत्रिक के चक्कर में लोग आ जाते हैं, बच्चों को भी दगवाते हैं, कई बार खुद भी उसके चक्कर में आते हैं। और कुछ ऐसी तस्वीर धार से सामने आई है जहां पर महिला जो है तांत्रिक का शिकार हुई और तलवार से जो है ये तंत्र क्रिया जो करने का किया गया तांत्रिक के द्वारा, तलवार से हमला किया गया। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। ग्वालियर की हम बात करते हैं, कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट हुई है। कोचिंग संस्थान के बाहर अभिभावक आपस में भिड़ गए, अभिभावकों में जमकर मारपीट हुई। इंदरगंज थाना क्षेत्र के आलिजा बाग की घटना है। कॉलोनी शिंदे की छापने की घटना है। मारपीट की घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में 10 से 12 लोग आपस में मारपीट करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इंदरगंज थाना पुलिस फिलहाल वायरल वीडियो की जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर मामला क्या था। दरअसल शुरुआती जांच में बताया जा रहा है कि छात्रों में हुए झगड़े के बाद कोचिंग संस्थान पर अभिभावक पहुंच गए और आपस में भिड़ने लगे। देखते ही देखते ये मामला बढ़ता चला गया और मारपीट पर पहुंच गया। ग्वालियर की ये तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये मारपीट का वीडियो है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है वीडियो के आधार पर। और उज्जैन देवास रोड स्थित लालपुर स्थित बालगृह से तीन बच्चे खिड़की तोड़कर फरार हो गए। तीनों बच्चों में एक मुंबई का रहने वाला भी था जो अपना घर छोड़कर भागा था। दो बच्चे राजस्थान के बताए जा रहे हैं जो कि शाजापुर CWC के जरिए उज्जैन बालगृह पहुंचे थे। राजस्थान के रहने वाले दोनों बच्चे सोमवार को ही बालगृह पहुंचे थे। तीनों एक साथ बालगृह के कमरे की खिड़की तोड़कर फरार हुए। पुलिस तीनों की तलाश कर रही है। यहाँ से संस्था से वॉशरूम की खिड़की जो है तोड़ के और कहीं निकल गए हैं। और 10 मिनट पहले ही मेरी उनसे बातचीत हुई थी। वो कब खिड़की तोड़ के चले गए हमको पता ही नहीं चल पाया। और जैसे ही हम लोगों ने बच्चों को देखने के लिए भेजा तो पता लगा कि खिड़की टूटी हुई है। तब हमें पता लगा, 10 मिनट में ही फिर हम लोगों ने जो है हमारे यहाँ के स्टाफ के समस्त कर्मचारियों को बच्चों को ढूंढने के लिए भेजा और वरिष्ठ अधिकारी को सूचना दी। बाल संप्रेषण गृह से तीन बालकों के जाने की सूचना प्राप्त हुई है। उनकी फोटोज आदि लेके पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश की है, की कर रही है। हमें पूर्ण विश्वास है कि उनको जल्दी से ही हम
खोज लें। सर कई बार देखा जाता है बाल संरक्षण के लिए वहाँ से भाग जाते हैं, उसके बाद देखिए बाल संरक्षण गृह से बालक भागने की घटना हुई है, लेकिन उनको दस्तियाब करने की भी घटना हुई है। ये कहीं चले जाते हैं, उनको वापस दस्तियाब करके उनको उसी सुधार गृह में भेजा जाता है। सागर से बड़ी खबर की अब बात। कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों का चक्का जाम देखा गया। किसानों और व्यापारियों के बीच कहासुनी हो गई और विवाद की स्थिति पैदा हो गई। व्यापारियों में आक्रोश है, तय मूल्य से कम में उपज खरीदने के आरोप लग रहे हैं। सागर खुरई मार्ग पर किसानों ने चक्का जाम किया और नारेबाजी करने लगे। मौके पर थाना पुलिस सहित अन्य अधिकारी भी पहुंचे और समझाइश देने की कोशिश की गई। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार पुलिस नए डिजिटल के माध्यम से अपराधियों पर नकेल कसती हुई नजर आ रही है, लेकिन अब पैरोल पर निकले हुए अपराधियों की भी पुलिस डिजिटल कुंडली बनाकर उन पर डिजिटल के माध्यम से निगाह बनाकर रखेगी। डीसीपी इंदौर आदित्य मिश्रा ने बताया कि पेरोल पर छूटने वाले अपराधियों की जियो टैगिंग की जाएगी और उसी जियो टैगिंग के माध्यम से अपराधियों के हर मूवमेंट पर पुलिस निगाह बनाकर रखेगी। साथ ही पुलिस की अंकुश ऐप पर अपराधियों के साथ उसके परिवार का पूरा डाटा भी सिंक किया जाएगा। इसमें हमारे द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है कि इंदौर में एक जो बहुत बड़ी समस्या आती है कि यहाँ पर ट्रांजिट पॉपुलेशन जो होती है वो बहुत अत्यधिक है। लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं कई कंस्ट्रक्शन साइट। और अब बात करते हैं श्योपुर की, जहां पर कूनो नेशनल पार्क में बाघ देखा गया है। जंगल के कच्चे रास्ते पर बाघ नजर आया, वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। डीएफओ ने बाघ के पद चिन्ह मिलने की पुष्टि भी की है। बाघ से नहीं है चीतों को किसी भी तरह का खतरा, बड़े बाड़े और क्वारंटाइन बाड़े में है सभी चीते। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, श्योपुर की है। कूनो नेशनल पार्क में बाघ देखा, पहले बोल रही थी टाइगर सर ओवररेटेड एंड ऑल, ओवररेटेड तो है क्या साहब, मेरे बाद देखा है? नहीं नहीं। पन्ना से बड़ी खबर की अब बात। हाथी का रेस्क्यू किया जा रहा है, टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागे हैं खूंखार हाथी का रेस्क्यू किया गया। हाथी राम बहादुर को रेस्क्यू कर पकड़ा गया है। पहले एक रेंजर और महावत को कुचल चुका है हाथी। हाथी की वजह से पर्यटकों की आवाजाही पर भी प्रतिबंध लग चुका है। पन्ना की हम बात कर रहे हैं, टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर हाथी भागा था, फिलहाल रेस्क्यू कर लिया गया। और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। सीएम शिवराज ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के बयान पर सीएम शिवराज ने कहा कि राहुल गांधी राष्ट्रीय शर्म हो गए। कूनो नेशनल पार्क में देखा गया टाइगर, जंगल के कच्चे रास्ते पर नजर आया टाइगर, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। डीएफओ ने फोन पर टाइगर के पद मार्ग मिलने की पुष्टि की। मंदसौर में सड़क हादसे में दो महिलाओं की मौके पर मौत। एक बाइक चालक दो महिलाओं के साथ बैठकर जा रहा था, सामने से आ रहे डंपर ने बाइक को रौंद दिया जिसमें बाइक सवार दो महिलाओं की मौके पर मौत हो गई। मुस्लिम कारीगरों ने बनाया राम दरबार, लोग हुए खुश। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय पहुंचे आगर मालवा, मां बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन। इंदौर से सड़क मार्ग से पहुंचे नलखेड़ा। इंदौर के कनाडिया रोड पर हुआ भीषण सड़क हादसा, ऑटो और तेज रफ्तार कार में हुई टक्कर, हादसे में 3 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल। आगर मालवा में सड़क हादसे में 3 की मौत, नेशनल हाईवे पर ट्रक से भिड़कर बाइक से टकराई कार, हादसे में 3 की मौत, 2 घायल। धार में महिला हुई तांत्रिक के शिकार, तांत्रिक ने महिला के शरीर पर तलवार से लगाए कट, तांत्रिक के हमले में महिला घायल। ग्वालियर में कोचिंग सेंटर के बाहर मारपीट का वीडियो वायरल, छात्रों में हुए झगड़े के बाद कोचिंग संस्थान पर पहुंचे अभिभावक, आपस में झगड़े।
मंडला में किसानों के खेतों में रखी धान की फसल के बोझों में लगी भीषण आग, अलग अलग जगह लगी आग, किसानों को हुआ लाखों का नुकसान। सागर में कृषि उपज मंडी के बाहर किसानों का चक्का जाम, किसानों और व्यापारियों के बीच हुई कहासुनी। सागर में यात्रियों से भरी बस पलटी, बस में लगेज और ओवरलोड सवारी होने के कारण हुआ हादसा। भोपाल में बीएसएनएल का रिश्वतखोर जीएम गिरफ्तार, सीबीआई ने 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। सहकर्मी जेटीओ अनिरुद्ध साहू से मांगी थी रिश्वत। भोपाल में भाजपा कांग्रेस के निशाने पर 15 कलेक्टर एसपी चुनाव में पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करने का आरोप। नर्मदापुरम में सड़क हादसे में 2 की मौत, सिफ्टी मालवा एसडीएम के रीडर और ऑपरेटर की हुई मौत। पन्ना में टाइगर रिजर्व से चेन तोड़कर भागे खूंखार हाथी का रेस्क्यू, पहले एक रेंजर और महावत को कुचल चुका है हाथी। विधायक नारायण त्रिपाठी और सचिन बिरला के त्यागपत्र स्वीकार, कांग्रेस विधायक बिरला बीजेपी में हुए शामिल। यातायात के नियमों का पालन करवाने, राजधानी की सड़कों पर बढ़ी सख्ती, ट्रैफिक के नियमों का पालन करवाने चलाया जा रहा विशेष अभियान। ग्वालियर में डेंगू के 31 नए मरीज मिले, जय आरोग्य और जिला अस्पताल में 107 सैंपल की हुई जांच। मतगणना से पहले एमपी सरकार थर लेगी कर्ज, 28 नवंबर को 2000 करोड़ का सरकार लेगी कर्ज। और इसी के साथ ही अपना एमपी के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना है।